हेलो दोस्तों, अगर आप वीवो का मोबाइल यूज करते हो तो वीवो मोबाइल की बहुत ही सीक्रेट सेटिंग आपको बताने वाला हूँ, जिसको जानने के बाद दोस्तों आप काफी ज्यादा चौंकने वाले हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरे फोन में कोई भी बैक बटन नहीं है, और यहाँ पे दोस्तों आपकी जो होम बटन होती है वो भी नहीं है, और दोस्तों आपकी यहाँ पे जो रिसेंट टास्क वाली बटन रहती है वो भी यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कैसे बैक होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से दोस्तों ये बहुत ही ईजिली बैक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगर रिसेंट टास्क को निकालना चाहें तो कुछ इस तरीके से रिसेंट टास्क निकल जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों होम स्क्रीन पे जाना चाहो तो कुछ इस तरीके से अगर स्वाइप करते हो तो आपका रिसेंट टास्क से होम स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है। दोस्तों आप अपने मोबाइल में कुछ इस तरीके की सेटिंग कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना होगा। मोबाइल की सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों आपको जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक सेटिंग देखेगी सिस्टम नेविगेशन, ठीक है। तो आपको इस सेटिंग पे क्लिक करना है। इस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में यहाँ पे नेविगेशन की पे सिलेक्ट होगा कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों आपको यहाँ पे नेविगेशन गेस्चर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको एडजस्ट द गेस्चर लेआउट पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने करके रखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है नेविगेशन गेस्चर स्टाइल, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं। अगर दोस्तों आप अपनी बटन को यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखना चाहते हो तो ये वाली सेटिंग सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे डॉट वाली सेटिंग को रखना चाहते हो तो यहाँ पे डॉट वाली सेटिंग को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे नो आइकन, ठीक है। तो मैंने ये वाला सिलेक्ट करके रखा है, लेकिन दोस्तों अगर मैं बैक करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो बैक हो जाता है, ठीक है। अगर इस साइड से भी सिलेक्ट करूंगा तब भी ये बैग हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं कुछ इस तरीके से स्वैप करता हूँ तो मेरा जो पूरा जो है होम पेज आ जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में इस सेटिंग को इनेबल कर सकते हो। इससे पहले दोस्तों आपको वीवो मोबाइल की सेटिंग के बारे में पता था कि नहीं, कमेंट करके जरूर से बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हो। तो मैं मिलता है किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।